आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जश्न मनाने की शुरुआत हो गई है। यूपीए की बल्ले बल्ले से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आरपीएन सिंह ने मोर्चा संभाला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर पूरी रणनीति को देखा जाएगा क्योंकि आजकल राज्यों में तमाम पार्टियों के गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर अंत तक कैसे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कई सारे दाव पेच होते हैं, महीनों महीनों मामले लटकते हैं। ऐसे मतभेदों को कहीं पर ढक्कन लगाकर आगे बढ़ पाना एक बड़ी चुनौती होती है और इसीलिए यूपीए की बल्ले बल्ले हम इसे लिख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, पवन खेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, सियासी रूप से अगर हम इसे देखें तो आप खुद ही जीत के विश्लेषण में सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, तो क्या हम माने कि आप पूरी तरह से इसे रघुबर दास की हार के तौर पर ही देख रहे हैं या फिर सियासी रूप से ये आपको सूट करेगा कि इस हार को आप मोदी जी के मत्थे भी मर दें? नहीं, हम बिल्कुल इसको रघुबर दास जी की ही हार मानते, बशर्ते मोदी जी और शाह साहब वहां जा के बार बार सीएए एनआरसी की रटन नहीं लगाते, तो हम तो यही बोलते कि रघुबर दास जी की हार है। अब जैसा कि आपकी डिबेट्स में अक्सर ये हुआ है, आपने भी देखा है कि अरे जीएसटी के बाद हम फला चुनाव जीत गए तो जीएसटी की जीत हो गई, नोटबंदी के बाद हम ये वाला चुनाव जीत गए तो नोटबंदी की जीत हो गई, हम तो तब भी नहीं मानते थे। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये सीएए एनआरसी की हार हो गई? इनको जवाब देना चाहिए। हम अपने मुद्दों पर कायम हैं, ये मुद्दे स्थानीय मुद्दे थे जिन पर हम लड़े, हम बार बार जनता से जुड़े हुए ही मुद्दे उठाएंगे, लेकिन हम इनसे जरूर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, मैं डिबेट नहीं कर रहा इनसे, लेकिन आपके माध्यम से जानना चाहेंगे क्योंकि आप गवाह रही हैं इस तरह की डिबेट्स की। यारे देखो जीएसटी जीत गए, नोटबंदी जीत गए, पूछिए इनसे क्या एनआरसी जीत गए। ठीक है, आपने ये खुद ही कहा है तो गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ी गए हैं, लगे हाथ उनसे पूछ ही लेते हैं, एनआरसी सीएए सबसे भव्य राम मंदिर, क्या गौरव भाटिया जी क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? मुस्कुरा बहुत रहे हैं आज की सुबह, लेकिन ये 30 का आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है आज गौरव भाटिया जी। जब तक मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुरा लीजिए, लेकिन एक एक करके राज्य आपके हाथों से निकल रहे हैं भारत के नक्शे में, जहां पर आप पहले 70% क्षेत्र में शासन में थे, अब आप 34-35% पे सिमट गए हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा ये मुस्कुराहट जो हमारे चेहरों पर रहती है ये जनता की ताकत की वजह से है, तो इस मुस्कुराहट को कोई छीन नहीं सकता है। दूसरी बात, जब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो उनको बधाई देने का मन इसलिए करता है कि कम से कम कुछ दिन तो वो लोग आके चर्चा में, संवाद में विश्वास जताते हैं। तीसरी बड़ी बात, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं अंजना जी, मैं आज पूछना चाहूंगा ईवीएम ठीक है या कल फिर कपिल सिब्बल जी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम खराब हो गई। चौथी बड़ी बात, देखिए अभी सारे परिणाम आए नहीं है, सारे परिणाम आ जाने दीजिए। रघुबर दास जी ने झारखंड की जनता के लिए कार्य किया, 5 साल की स्थिर सरकार दी, और इस चैनल पे आने से पहले जब मैं देख रहा था तो करीब 7 सीटें ऐसी हैं अंजना जी जहां पे मार्जिन जो है ट्रेंड्स में 500 से कम वोट का है। तो जब सारे नतीजे आ जाएं उसके बाद चर्चा होगी जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। एक बात और कहूंगा, हर बार चुनाव के परिणाम आते हैं, चाहे वो सरकार कहां से बनाइएगा गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी जो है संसद के चुनाव, अब आप जो स्थिति आई है उस पर बात करते हैं ना, कहां से सरकार बनाइएगा? 30 पर आप हैं, 41 चाहिए, 3 आजसू वाले आपसे अलग होके चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी ये कहते हैं मोदी को डिफेंड करेंगे, हम झारखंड में तो किसी भी तरीके से रघुबर दास के पक्ष में नहीं बोलेंगे। जेवीएम की तरफ से बाबूलाल मरांडी जी आपके हाथों से इतने परेशान हैं कि अभी भी कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी भी हाल में सूरत बनना मुश्किल दिखाई देती है, और इन दोनों को भी जोड़ लीजिए तो मुश्किल है, 4 अन्य भी ले लीजिए तो मुश्किल है। अंजना जी देखिए, आपने कहा कैसे करेंगे, तो मैं फिर कहूंगा 2 बातें। सबसे पहले तो सारे परिणाम आ जाने दीजिए, जो अभी 30 का आंकड़ा है, जैसे मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और अगर 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से कम मार्जिन है तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये टीवी डिबेट में मैं नहीं बता सकता हूं कि कैसे सरकार बनाएंगे, जब परिणाम आ जाएंगे तो कुछ दल ऐसे जरूर हैं जो हमारे साथी भी रहे हैं, संवाद की हमेशा जगह रहती है, तो उसके बाद लोग आजकल बहुत मात खा रहे हैं।
चकमा दूसरी पार्टियां दे दे रही हैं आपको। गोवा के बाद सबने ऐसा सबक सीखा है कि कोई मौका छोड़ते नहीं है। एक बार चलते हैं पवन खेड़ा जी के पास, वाजपेयी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। पवन खेड़ा जी, दो सवाल हैं आपसे। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखें तो जो CAA NRC है वो आखिरी के फेजेस में ही आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ज्यादातर लोगों की, अभी तक एक्सपर्ट्स की यही राय है कि रघुवर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हाल ही के नतीजों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे और इसी वजह से आपको और बीजेपी की हार इसमें ज्यादा है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाए रघुवर दास, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें चुना था। और खास तौर पर जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर JMM का अच्छा करना ये बताता है कि रघुवर दास नॉन ट्राइबल CM का चेहरा चुनना भी बीजेपी को भारी पड़ा। क्या सर, अंजना जी, 15 सीटें जिन पर कांग्रेस आगे चल रही है उसमें से 10 ऐसी हैं जिसमें सीधा बीजेपी से लड़ाई है, तो इस पे तो ज्यादा ना बोलें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। 5 चरणों में चुनाव, तो मोदी जी की सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग ने रखा था, छोटा सा राज्य, 81 सीटें, 5 चरणों में चुनाव, सब कुछ प्रयास कर लिया। ये वही राज्य है और ये वही चुनाव है और ये वही प्रचार है जहां प्रधानमंत्री ने जाकर कहा था कि क्या पाकिस्तानियों को यहां का सिटीजन बनाना है, ये चुनौती दी थी उन्होंने विपक्ष को। ये तमाम चुनौतियों का उत्तर आज मिलता हुआ दिख रहा है। अब भी अगर प्रधानमंत्री नहीं चेते तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। कौन सा बड़ा चेहरा था सर कांग्रेस पार्टी का झारखंड में? हमारे तो लोकल लीडरशिप पूरी, बड़ी लीडरशिप काफी हद तक छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद भी RPN सिंह जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, पेशेंस से, सब्र से सबको जोड़ा। राहुल गांधी ने 5 रैलियां की वहां जाकर। बड़ा छोटा नहीं होता, चेहरा और व्यक्ति कोई विशेष महत्व नहीं रखता, इनके लिए रखता होगा, हमारे लिए मुद्दे महत्व रखते हैं। और हम तमाम, हमारे नेताओं ने वही मुद्दे उठाए जो जनता को कर्णप्रिय लगे, जनता को लगा हाँ हमारी आवाज, हमारे मुद्दों की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। एक सवाल है जिसके बाद चित्रा के पास चलेंगे, वो तमाम आंकड़े आपको दिखाएंगे। आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, हालांकि थोड़ी झिझक के बाद, बाद में क्या जीत का श्रेय आप राहुल गांधी को दे रहे हैं झारखंड में? क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने भी जाके कई रैलियां की थी, लेकिन पवन जी आप उनका नाम नहीं ले रहे। मैं किसी का नाम, आपने कहा बड़े चेहरे, आपने याद दिला दिया, जी हाँ, संथाल परगना में बहुत बड़ी रैली प्रियंका जी ने भी की। हम व्यक्तियों की बात ही कम करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारे जो नेता राहुल जी और प्रियंका जी भी अगर वहां गए तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने स्थानीय मुद्दों की बात की, उन्होंने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की बात की, उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात की, उन्होंने आधार और राशन कार्ड के लिंकेज के विरुद्ध बात की। तो बात क्या की है वो ज्यादा महत्व रखती है। बात किसने की ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व रखता होगा कि अमित शाह कहते हैं NRC होगा, मोदी जी कहते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, जो भी कह रहा है NRC होगा वो अर्बन नक्सल है। अब पता नहीं आपस में तय कर लें कौन अर्बन नक्सल है, हम तो इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, परिवार की लड़ाई है, परिवार जाने। ठीक है।